नमस्ते दखल न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे वैश्विक महामारी कोरोना से होने वाले संकट के बारे में चर्चा करेंगे। इसका विशेष तौर पर बच्चों और युवाओं पर किस तरीके का प्रभाव पड़ा है। मुझे लगता है कि जो बच्चे हैं उनको ऊपर सीधे तौर पर तीन तरीके का उन पर प्रभाव पड़ा है। पहला उनकी शिक्षा पर, दूसरा उनके स्वास्थ्य पर और तीसरा उनकी सुरक्षा पर। अब हम यदि बात करते हैं उनकी शिक्षा पर किस तरीके का प्रभाव पड़ा है, तो ये एक बड़ा गंभीर प्रभाव पड़ा है। कोरोना काल के बाद जो बच्चों की जो शिक्षा है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों के लिए शुरू करी गई है, जिसके कई दुष्परिणाम हैं वो सामने आ रहे हैं। एक बड़ी संख्या में बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देना, उस पर उनका सवाल को समझना और उस पर सवाल करना, ये एक बड़ी चुनौती है। और इस तरीके से भारत में बच्चों को इस तरीके से बिल्कुल भी तैयार नहीं किया गया था कि उनको कैसे ऑनलाइन शिक्षा दी जा सके, या इसका कोई मॉक ड्रिल पहले से नहीं की गई थी। अचानक से बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देना उनके लिए बड़ा नुकसानदायक हो रहा है, और मुझे लगता है कि इसकी तैयारी यदि होती, विशेषकर छोटे बच्चों को, तो ऑनलाइन शिक्षा, यदि हम पांचवीं या आठवीं तक के बच्चों की हम बात करें, तो उनको ऑनलाइन शिक्षा दिया जाना तो काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। और हम लोग यदि बात करें कि जो शिक्षा होती है वो शिक्षा बड़े व्यवहारिक ज्ञान होती है, इसको शिक्षा जो है वह देखकर और समझकर ही बच्चा प्राप्त करता है। ऐसे में ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों की शिक्षा कोरोना काल का सबसे बड़ा संकट है, जिसके लिए हम शायद अभी तैयार नहीं थे। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि कोरोना संकट के कारण बच्चों को तीन तरीके के संकटों का सामना करना पड़ रहा है। पहला शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। हमने बात करी शिक्षा पर, अब हम बात करेंगे स्वास्थ्य पर। बच्चों का कोरोना के कारण किस तरीके का प्रभाव पड़ रहा है, तो कोरोना के कारण अस्पतालों की उपलब्धता ना होना, बच्चों को सही समय पर शायद टीकाकरण भी नहीं हो पाया होगा, कुछ बच्चे जो को मिला होगा कुछ को नहीं भी मिला होगा, बच्चे यदि बीमार हुए होंगे तो उनको अस्पतालों की उपलब्धता नहीं रही होगी। साथ में कोरोना संकट के कारण भोजन की उपलब्धता भी बच्चों को, क्योंकि हम जानते हैं कि कोरोना संकट के कारण लोगों के रोजगार गए हैं, आर्थिक मंदी पूरे दुनिया में आई है, ऐसे में परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई होगी और उसका सीधे तौर पर जो है वो बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा होगा, क्योंकि भोजन की अनुपलब्धता परिवारों में जरूर हुई होगी। और जो तीसरा संकट है कोरोना के कारण है वो सुरक्षा। सुरक्षा के नए दायरे इस कोरोना संकट के कारण आएंगे। बच्चा जिस परिवार में है, यदि उसके ऊपर किस तरीके का अपराध हो रहा है, तो ऐसे में वो अपनी अपराध को समाज के सामने या वो सामाजिक संगठन के सामने लेकर नहीं आ पाएगा, वो एक घुटन की स्थिति में होगा। तो ये जो तीसरा खतरा है सुरक्षा का है, इसमें भी बच्चे को खतरा है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कोरोना संकट के कारण तीन बड़े खतरे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा का। वैश्विक महामारी कोरोना काल में मैंने एक कविता लिखी जिसका शीर्षक है स्माइल करोना। दखल न्यूज़ के तमाम दर्शकों के लिए मैं अपनी कविता स्माइल करोना की पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहता हूं। हो दौर जब मुश्किल भरा, मिलजुल कर रहो ना, बीत जाएगा दर्द का हर लम्हा, स्माइल करोना, स्माइल करोना। धन्यवाद। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक देख रहे हैं दखल न्यूज़।